हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनका दिन कैसा होगा, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट जॉब करेंगे या विदेश यात्रा करेंगे या अपने देश में कुछ करने वाले हैं, राजनीतिक क्या होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद मिलेगा या टेक्निकल फील्ड में काम करेंगे या मेडिकल के फील्ड में काम करेंगे, ये सारी बात आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और आपका क्षेत्र क्या होगा, विकास का क्षेत्र क्या होगा, ये सारी बातें बताऊंगा। रुका हुआ धन कैसे मिलेगा, आप आज जमीन खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, इस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। और आज किस क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, संघर्ष हो सकता है, लेकिन अति संघर्षों के बाद आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर अगर आप कार्य करते हैं तो आज आपका यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नेम फेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, दूर देश की यात्रा होगी और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चिर प्रतीक्षित है, उसको होने की संभावना बन रही है। घर में नए तरह के मेहमान आने की संभावना बन रही, परिवार में जो भी आपका दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसको पूर्ण करने में आप सफल रहेंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। यदि आपने लेखन कार्य के लिए प्रयास किया है तो लेखन कार्य से आज आपको धन मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप कोई भी बड़ा कार्य की प्लान कर रहे हैं, जैसे किताब लिखना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने स्किल से बड़ी चीजें आज आपको मिल सकती है, उसकी प्रबल संभावना बन रही है। पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल रहेंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर कोई भी परिवार के लिए नए कार्य के प्लान करें, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, इसमें आपको आज सफलता मिल सकती है। विदेश जाने का अगर आपने प्लान किया है तो वो भी आज आपकी प्लान सफल हो सकती है। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। करियर आज आपका चतुर्दिक रूप से आगे बढ़ेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। माली हालत बहुत अच्छी हो गई। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। माता का सुख मिलेगा। जगह जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। कृषि भूमि खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। घर में किलकारी गुजरने की संभावना बन रही है। यदि कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इलेक्ट्रिकेशन इत्यादि वगैरह कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलते हुए दिख रही है और संघर्ष समाप्त होगा। माली हालत अच्छी होगी। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने आय और व्यय पर नियंत्रण रखना और द्रुत गति की गाड़ी नहीं चलानी है। उपाय क्या करना है, आज आप चूंकि नवरात्रि में आप क्या करें कि ओम नमः चंडिकाय नमः आप इस मंत्र का जप करें और माता जी को क्या करें कि उनका पूजा करें, उनको फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर और सुहाग की कोई वस्तु अर्पित करें और जो मन में मनोकामना है उसकी बात करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप जो भी सोच रहे हैं घर में, जैसे मान लीजिए शादी विवाह नहीं हो रहा है, कोई परेशान, सब आपको ठीक होगा। और आज आपके लिए शुभ अंक एक है और शुभ रंग लाल है। हरे कृष्ण।